दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए नवंबर 2022 के पहले सप्ताह की 16 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक रोजगार समाचार के लेटेस्ट अपडेट है। इन भर्तियों के फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। 65,000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं नवंबर 2022 के पहले सप्ताह की 16 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है SSC में। कॉन्स्टेबल GD की बंपर भर्ती की अपडेट है। 24,369 वैकेंसीज निकली है, 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 1 और लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फिजिकल मेडिकल से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो ssc.nic.in वेबसाइट से। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो निकली है खुफिया विभाग में। सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की भर्ती है। 1671 वैकेंसीज है। 5 नवंबर से 25 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 1 और 3 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 और 27 वर्ष आयु सीमा है। 450 रुपये फीस है। ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो MHA.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है DRDO में। यहाँ पर CEPTM 10 के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। पोस्ट है इसमें GTO, स्टेनो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की। 1061 वैकेंसीज है। 7 नवंबर से 7 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। यहाँ पर भी सैलरी लेवल 6, लेवल 4 और लेवल 2 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं डिग्री PG डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 और 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। Tier 1 Tier 2 के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो DRDO.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है AMD के अंतर्गत। सिक्योरिटी गार्ड ASO JTO की पोस्ट है। 321 वैकेंसीज है। 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। 35,400 सैलरी है। 10वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न फिजिकल से चेन होगा। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो AMD.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो भी SSC में निकली है। LDC, JSA, PASA, DEO की यहाँ पर पोस्ट है। CHSL 10+2 एग्जामिनेशन के माध्यम से भर्ती होगी। 4,000 से अधिक वैकेंसीज है। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। लेवल 2, लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो ssc.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो निकली है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है। 823 वैकेंसीज है। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आवेदन चलेंगे। 19,950 से यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 34 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। रिटर्न फिजिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है forest.gujarat.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब है वो निकली है UP SSC में। जूनियर असिस्टेंट के लिए 1262 वैकेंसीज है। 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 25 रुपये फीस है। यहाँ पर PT स्कोर, रिटर्न एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट के आधार पर चयन होगा।
ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है, UP SSC.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब है वो निकली है JSSC में। यहाँ पर रेगुलर की पोस्ट और बैकलॉग की कुछ पोस्ट निकली हुई है मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत। यहाँ पर भी 1 नवंबर से 29 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। 10th 12th डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 37 38 40 वर्ष आयु सीमा है। 100 और 50 रुपये फीस है। रिटन एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, JSSC.NIC.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब है वो निकली है पुलिस विभाग में। कॉन्स्टेबल मेल फीमेल की भर्ती है। 1591 वैकेंसीज है। 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 31 और 33 वर्ष आयु सीमा है। 400 और 200 रुपये फीस है। रिटन फिजिकल से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है, KSP-recruitment.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब है वो निकली है शिक्षा विभाग में। लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टीचर, नर्सरी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है। 612 वैकेंसीज है। 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर भी 12th डिग्री डिप्लोमा BEd BPed से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। 1 ईयर एग्जामिनेशन स्कीम के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। DSSBonline.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर की जॉब निकली है वो भी SSC में निकली है। JSSC के अंतर्गत इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर की पोस्ट है। 737 वैकेंसीज है। 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है। डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 37 38 40 वर्ष आयु सीमा है। 100 और 50 रुपये फीस है। CBT से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, JSSC.NIC.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर की जॉब है वो निकली है DLRS बिहार में। अमीन कानून गो क्लर्क असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की पोस्ट है। 10101 वैकेंसीज है। 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर भी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 और मिनिमम 21 वर्ष आयु सीमा है। मैक्सिमम 37 और 40 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, DLRS.bihar.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 13 नंबर की जॉब है वो निकली है पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में। प्राइमरी टीचर के लिए 11765 वैकेंसीज है। 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। DLED DED BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 150 100 और 50 रुपये फीस है। रिटर्न और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, WBPPE.org की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो 14 नंबर की जॉब है वो निकली है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है। 894 वैकेंसीज है। 11 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। 300 और 150 रुपये फीस है। रिटन एग्जाम फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, PSC.UK.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 15 नंबर की जॉब है वो निकली है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में। यहाँ पर प्रोसेस सर्वर, ड्राइवर, रिकॉर्ड असिस्टेंट, कॉपिस्ट, एग्जामिनर, वेरियस पोस्ट है जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, साथ ही साथ यहाँ पर स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्शन ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर और भी पोस्ट है। 3000 से अधिक वैकेंसीज है। 11 और 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं पास और डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। 800 400 रुपये फीस है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आंध्र प्रदेश जॉब लोकेशन है, SC.AP.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 16 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है स्कूल शिक्षा विभाग में। ETT टीचर के लिए 5994 वैकेंसीज है। 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। 29,200 सैलरी है। डिग्री DLED से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। 1,500 रुपये फीस है। EXSERVICEMAN को फीस जमा नहीं करनी होगी। टेस्ट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, EducationRecruitmentBoard.com इस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी नवंबर 2022 के पहले सप्ताह की
टॉप 16 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।